टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ऊषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस चौराहा, मेरठ। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा कुछ दिन पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस अभियान के तहत देश के पीएम ने सभी नागरिकों से अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की है और प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत इस अपील को जनता तक पहुंचाया है। आपको बता दें कि इस वर्ष देश आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और इस अवसर को मनाने के लिए अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत जन भागीदारी के साथ 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ से भी अधिक लोग अपने घरों में झंडे फहराएंगे। ये सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। सभी लोग इस दिन के लिए झंडे आसानी से अपने पास के पोस्ट ऑफिस, डाकघरों से खरीद सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन खरीदने का भी विकल्प दिया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा 3 तरह के झंडों की व्यवस्था की गई है। वहीं आज मेरठ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 300 मीटर से अधिक की तिरंगा गैलरी बनाई गई है व 30,000 से ज्यादा छोटे बड़े तिरंगे दिए गए। कांवड़ यात्रा के उत्सव के साथ ही राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस पहल के पीछे लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और तिरंगे से जुड़ाव को गहरा करना है। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय गौरव का आयोजन है मानते हुए ये पहल की गई है और साथ ही कांवड़ियों के स्वागत के लिए बुलडोजर पर चढ़कर लगातार 5 घंटे से ज्यादा पुष्प वर्षा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने पुष्प वर्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से मशहूर हुआ बुलडोजर का इस्तेमाल कर 500 किलो से ज्यादा गुलाब और गंधा के पुष्पों के पत्तों से 3 बुलडोजर पर चढ़कर महादेव की भक्ति में लीन कांवड़ियों का स्वागत किया। आइए देखिए। और सभी क्षेत्र के प्रधान गूंज रहा है एक नाम, जय श्री राम। राजा निसा तेरा जलमा। मोहन गुजर किनानी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष बॉबी शर्मा जी, भाजपा परिवार